धन्यवाद अंतिमा। सभा में उपस्थित सभी लोग और आदरणीय मंच सबका जो है मैं स्वागत और अपना नमस्कार करती हूँ। कवितेंद्र इंदू जी का व्याख्यान हमेशा जो है बहुत सारे प्रश्नों को लेकर छोड़ता है और बहुत अच्छा व्याख्यान रहता है। मैं अभी हम लोग चाय पे मिले थे, बात भी कर रहे थे, तो मैंने इनको पहले ही बोला कि आप बहुत सारे सवाल छोड़ेंगे, इतना तो मुझे पता है, और अच्छा व्याख्यान रहता है। देखिए, जो एक महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने आखिरी में किया कि जिस तरह से भारत में दलितों की स्थिति है, तो क्या हम मतलब दलित साहित्य या दलितों का को उत्सव मनाना चाहिए या हम मना सकते हैं। हम अगर सदियों का शोषण देखें, हजारों साल का शोषण देखें, तो कम से कम जो स्थिति बदली है, पूरी तरीके तो नहीं कह सकते, लेकिन आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, उस क्षेत्र में और उस दशा में कम से कम हम अपने लोगों के बीच में अगर हम संवाद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति भी थी कि जब हम संवाद भी नहीं कर सकते थे। और आपको ये भी पता होगा कि देश जब आज़ाद हो रहा था, उससे पहले लोग कैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, सोजे वतन को भी हम देख सकते हैं कि अगर आप उनके खिलाफ अगर कुछ लिख रहे हैं तो आपको जो है नज़रबंद भी किया जा सकता है। तो थोड़ी भी स्थिति अगर हमारी सुधरी है तो जश्न तो नहीं कहें, अगर जश्न ना कहें, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव रूप में या सकारात्मक रूप में ये भी एक अच्छी पहल है। मुझे विषय मिला है दलित स्त्री आत्मकथाओं पर बात करने के लिए, तो मैं दलित स्त्री आत्मकथाओं पर बात करूंगी। जैसा कि हिंदी साहित्य में जब दलित आत्मकथाएं आईं, और जब दलित आत्मकथाएं आईं, दलित आत्मकथाओं से मतलब जो है दलित पुरुषों की आत्मकथाएं, ठीक है, और इसीलिए जो है मुझे यहाँ पे दलित स्त्री आत्मकथा कहना पड़ रहा है। तो उनकी आत्मकथाओं का शीर्षक जो था, मुझे याद आ रहा है 2012 में JNU में दलित अस्मिता एक ग्रुप रहा है, विमल थोरागी उसकी अध्यक्ष रही हैं, तो उस समय बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, 2 दिवसीय सेमिनार हुआ था। उसमें किसी महाशय जी ने, श्रोतागढ़ जो लोग बैठे थे, और कहा कि ये जो आत्मकथाओं के शीर्षक हैं, क्या इन आत्मकथाओं का शीर्षक ये होना चाहिए, मुर्दैया, जूठन, मणिकर्णिका और भी बहुत सारे क्या कहते हैं, उचक्का, लक्ष्मण जी का है, लक्ष्मण गायकवाड़ जी का, तो ये जो है ये शीर्षक नहीं होने चाहिए। तो उसमें से जो है जो जिन लोगों ने बात की दलित आत्मकथाओं पे, तो उन्होंने कहा कि हमारा जीवन यही रहा है, और अगर हम अपने शीर्षक ये नहीं रखेंगे तो और क्या रखेंगे। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। जब मैं दलित स्त्री आत्मकथाओं पर बात करूंगी तो इनके शीर्षक को देखिए, इन शीर्षकों से ही पता चल जाएगा कि जीवन कैसा रहा है। 1998 में दोहरा अभिशाप आया कौसल्या बैसंत्री जी का। कौसल्या बैसंत्री जो है मराठी लेखिका थी, और उन्होंने हिंदी में दलित आत्मकथा लिखी, ये एक तरह से उपन्यास का रूप था, और उपन्यास एक विधा के रूप में आप कह सकते हैं, लेकिन वे पूरी तरीके से वो आत्मकथा ही थी। उनके लिखने के पीछे उनका जो ये उद्देश्य रहा कि मैं इसलिए आत्मकथा लिख रही हूँ कि अभी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी आवाज़ यहाँ तक नहीं ला पा रही हैं साहित्य के क्षेत्र में, ऐसी बहुत सारी, और घरों में कितनी सारी महिलाएँ होंगी जिनके शोषण को, जिनके संघर्ष को, जिनकी पीड़ा को जो है अभी बाहर लाना बाकी है, तो मेरी आत्मकथा उसकी जो है एक तरह से अभिव्यक्ति है, एक आवाज़ है। मुझे दलित स्त्री आत्मकथा पे या फिर स्त्री आत्मकथाओं के बारे में कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। एक लेख पढ़ा था और उसमें जो है एक स्त्री कहती है कि हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो जब मैं कुछ लिखती थी तो मैं, क्योंकि पुरुष समाज भी जो है ये सह नहीं पाता है कि स्त्री कुछ लिख रही है। अभी भी आप देखिए कि चीज़ें बदली हैं,
और बहुत सारे पुरुष जो है, बहुत सारे पुरुष मित्र या उनके पति या उनके जो है दोस्त साथी अपनी महिला अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं, अपनी प्रेमिकाओं तक को पढ़ा रहे हैं, इतनी स्थिति बदली है। तो उस समय की बात जो मैंने उस लेख में पढ़ा था कि वो कुछ कुछ लिख रही है अपने जीवन के बारे में और लिख कर जो है चीनी के डब्बों में छुपा दे रही हैं कि कोई उसको पकड़ ना पाए। आप याद कीजिए बेबी कामले की आत्मकथा है जीवन हमारा, उनकी एक परचून की दुकान होती है और उसमें जो है जब पति कहीं किसी काम से कोई सामान लाने चले जाते हैं तो वो क्या करती है, जो अखबार होता है अखबार पे जो है वो कुछ कुछ अपनी संघर्ष गाथा लिख रही होती हैं। तो दलित स्त्रियों की जो संघर्ष गाथा है, या मुझे जो है धनवीर की वो किताब याद आ रही है सिमंतनी उपदेश, जिसको जो है एक अज्ञात हिंदू महिला के नाम से वो प्रकाशित हुआ था, कि महिलाओं के लिए लेखन इतना आसान नहीं था, महिलाएं बात कर पा रही। आपको आपको ये भी अपने घरों में अभी भी बहुत सारे गाँव में ये स्थिति है कि उनको जो है किसी को आगे छोटे बच्चे को आगे करके संवाद करना होता है बड़ों से या अपने पतियों से, और जहाँ पे वो अपना लेखन ही जो पूरे हमारे सामने ही उनका लेखन आ जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौसल्या बैसंत्री जो दोहरा अभिशाप लिखती हैं उसमें अपने समाज के बारे में, उनकी जो उनका जो व्यक्तिगत जीवन रहा है, उनका पारिवारिक जीवन और जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत वैवाहिक जीवन उनका बहुत ख़राब रहता है। एक मार्क्सवादी से उनको प्रेम होता है, मुझे अभी नाम देवेंद्र नाम रहता है उनका, और किस तरह से उनकी स्थिति बिगड़ती है, अपने हक के लिए वो महिला खड़ी हो रही है और कानूनी प्रक्रिया में जाती है और उनको वो जीत हासिल होती है। मैं दलित स्त्री आत्मकथाओं को आत्मसंघर्ष से जो है आत्मसंघर्ष का महाज्ञान रचते हुए आत्मसम्मान की स्थिति तक वो पहुंचती हैं, मैं उस रूप में दलित स्त्री आत्मकथाओं को देखती हूँ कि उनका जो आत्मसंघर्ष है वो आत्मसम्मान तक पहुँचता है। आप जितनी भी आत्मकथाओं को देखेंगे, मैं अगले क्रम में थोड़ी थोड़ी ही बात कर पाऊँगी, लेकिन दलित स्त्रियों का जीवन बहुत ही नारकीय रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एक बेबी कामले की जो आत्मकथा है आमूचा जीवन, वो मराठी में लिखी गई थी, उसका फिर अनुवाद हुआ जीवन हमारा, और कैसे उनको जो जाति है, जो उनकी अपनी जाति है, उस तरह से उनको प्रताड़ना सहना पड़ता है, वो अनीता भारती जी की भी आत्मकथा में आई है। ओ छबू देख दरवाजे पर डोमनी खड़ी है, उसे छूना मत, दूर से जाना, डोमनी भी तत्काल सतर्क हो जाती, अपने शरीर का कपड़ा समेटते हुए कहती, अरे छोटे बस बाबा साहब दूर से जाओ, दूर से डोमनी को छू मत लेना। ये जो अस्पृश्यता जो है अभी हमने देखा 26 जुलाई की घटना थी, और जो है हमने अमृत महोत्सव के रूप में सारी चीज़ें हमारे सामने है कि अभी भी जो है हमें वही समझा जाता है, वो नहीं समझा जाता तो उस तरह से जो है वो मौत का शिकार नहीं होता बच्चा। और एक घटना और है जिसके गले में आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी वो बहुत सर्कुलेट हो रहा था, एक बच्चा था उसकी शिक्षिका ने जो है उसको उसके गले में जलता हुआ रॉड डाल दिया उसको प्रताड़ित करने के लिए। तो कितना जो है आप ये सोचिए कि दलितों को अभी भी जो है अपने होने के लिए जो है कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, किन किन चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है, आखिर वो स्थिति कब आएगी। वो जो फैज़ ने कहा था, ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, और वाकई में ये आज़ादी जो है दाग दाग ही मिली है हमें, मिली है लेकिन बहुत जो है उसमें कितने सारे इस तरह के चेहरे हैं, अदृश्य चेहरे हैं। हमें जो है इनक्रेडिबल इंडिया की बात बार बार की जाती है और बहुत उसका जो है आज़ादी का महोत्सव भी मनाया गया जिस तरीके से इनक्रेडिबल इंडिया के रूप में, लेकिन ये जो अदृश्य भारत है, जो भारत का एक ऐसा चेहरा जो अदृश्य है, उसको कौन दिखाएगा, उसकी बात क्या हम ही लोग करेंगे, या हमें मौत जब जब जो है हमें मौत का सामना करना पड़ेगा या जो हमें मौत मिलेगी तब इन लोगों को जो है समझ में आएगा। और समझ तो छोड़ दीजिए, हम उसकी कामना भी नहीं करते कि वो ये इतनी उम्मीद भी नहीं करते कि वो उनसे जो है उनका दिल पिघलेगा। कार्रवाई हुई कि नहीं हुई ये भी नहीं पता छैल सिंह को। इसके दोहरा हिसाब से अगर हम आगे चले और जीवन आमूचा से आगे चले तो सुशीला डाकघोरे की आत्मकथा आती है शिकंजे का दर्द। बस आप इन शीर्षकों को देख लीजिए कि दलित स्त्रियों की जो आत्मकथा है उस शीर्षक किस रूप में आते हैं, पुस्तक का शीर्षक क्या, आत्मकथा का शीर्षक क्या है।
तो उनका जीवन भी जो है एक सिकंजे की तरह रहा। अभी चौधरी राम सर ने, रामचंद्र सर ने बहुत सारी बातें कही, आर्थिक सामाजिक मुक्ति की बात हो रही थी, सामाजिक मुक्ति के बाद फिर आप आर्थिक मुक्ति की बात करें। बाबा साहब ने कहा था कि समाज आर्थिक जो मतलब गरीबी नहीं सामाजिक बेइज्जती अखड़ती है। तो गरीबी जो है गरीबी से आप निजात पा लेंगे, लेकिन जो है जब सामाजिक प्रताड़ना आपको झेलने को मिलेगा तो फिर आप कैसे जो है उस दंश को जह आप सह नहीं पाते। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं पेरिस गई थी और पेरिस में जो है मैंने अस्मिता मूलक विमर्श में ही जो है अपना पेपर प्रेजेंट किया था, और वहाँ पर जो है उस समय ऊना की घटना थी और मैंने ऊना की घटना का जिक्र किया। उसमें एक महोदय जी थे, वो चिल्लाने लगे, कहने लगे कि जो है आप अपनी भारतीय संस्कृति को जो है बदनाम कर रही हैं। मैंने कहा किस तरह की भारतीय संस्कृति, ये मेरे द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये आपने खुद बनाई है, और मैं जो है ये मैं अपने जो मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं कह रही हूँ। आप जाइए, आप या तो इतना ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो तुरंत जो है आ जाएगा कि ऊना में किस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो बहुत बहस हुई और बहुत अच्छी चर्चा भी हुई उस समय। मुझे लगा कि जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके अंदर अपने भारत के प्रति अगाध प्रेम है, ऐसे भारत के प्रति जो अदृश्य है, अतुलनीय तो उनको बहुत दिखता है लेकिन अदृश्यता जो है उनको दिखाई नहीं देती है। तो शिकंजे का दर्द भी आप देखेंगे तो यही वही है कि गरीबी नहीं जो है सामाजिक बेइज्जती अखड़ती है। वो महिला जो है सुजीला टागोर इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचती हैं, नौकरी भी करती हैं और उनका संघर्ष बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कि पति प्रताड़ित कर रहा है, सास प्रताड़ित कर रही है, किस किस तरह से जो है एक तो अनमेल विवाह होता है उसका भी दंश वो झेल रही है, और उनका संघर्ष कहीं ख़त्म नहीं होता है। पोस्ट पे पहुंचती हैं और जो पड़ोसी द्वारा ये कहते कि अरे ये तो क्या है भंगी महिला है, ये जो भंगी महिला बार बार ये मतलब आप देखिए कि कहीं से भी हम दलित हैं लेकिन हमें जो है जाति के द्वारा क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। मैं अभी जिस यूनिवर्सिटी में हूँ आपको मैं बता दूँ, वहाँ पर अभी पीएचडी के सिलेक्शन हुए हैं, ये लोग कहेंगे कि भाई इनको क्या बताने की ज़रूरत है, लेकिन जब बच्चे आते हैं गाइड चुनने के लिए तो एक सिंगल बच्चा जो सवर्ण जाति का है वो नहीं आता है। उसे टाइटल से ही पता चल जाता है कि ये जो है फलाने जाति की हैं तो हम क्यों जाएं, इनके पास तो इनके जो है खुद ही जाति के बच्चे जाएंगे। तो ये हालात अभी भी बने हुए हैं, चीज़ें बदली नहीं हैं। शिकंजे के दर्द के बाद जो है कौशल पवार की आत्मकथा है बवंडरों के बीच में। अब ये देखिए शीर्षक बवंडरों के बीच में, एक स्त्री जो है किन किन बवंडरों में फंसती है, ये उसका जीवन ही किस तरह का रहा है। और जेएनयू जैसी प्रगतिशील पूरे दुनिया भर में जो है विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी में जब कौशल पवार का जातिगत आधार पर शोषण होता है वो भी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। सत्यमेव जयते में उनका जो इंटरव्यू भी आया था, लोग उसको जानते भी हैं। तो आप ये सोचिए कि चाहे हमारी प्रगतिशीलता का आधार क्या है, जो लोग बड़े लोग जिस तरह से प्रगतिशीलता की बात करते हैं, अभी प्रलेश की बात हुई, जलेश की बात हुई, तो आप देख लीजिए कि किन किन चीज़ों पर जो है अभी बात करना बाकी है। इसके अलावा जो है सुमित्रा महरौल की टूटे पंखों से परवाज तक, अब देखिए टूटे पंखों से परवाज, विकलांग एक पहली दलित विकलांग महिला की जो है वो आत्मकथा है, और उसमें जो है उनकी विकलांगता, दलित स्त्री तो है ही, एक जेंडर के आधार पर, जाति के आधार पर, और जो है जो विकलांगता है उसको उन्होंने जो है व्यक्त किया है, उनका किस तरह का जीवन रहा, किस तरह का संघर्ष रहा है वो उसमें जो है व्यक्त करती हैं। और उसमें आप ये देखिए कि दूसरा क्या ही शोषण करेगा, माता पिता भी उपेक्षा करते हैं उनकी और कहते हैं कि भाई हमारी जो जिस माता पिता से हमें संबल मिलना चाहिए वो संबल भी नहीं मिल पाता, और हमें जो है हमेशा जो है उपेक्षा के नज़रियों से देखा जाता। उन्होंने भी अपना मनोबल टूटने नहीं दिया और वो आगे बढ़ती हैं, आज जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सानी कॉलेज में जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो चीज़ें बदली हैं और दलितों ने जो है अपने संघर्ष से ही अपने आप को जो है मजबूत किया है। मैं इन आत्मकथाओं के आधार पर एक चीज़ जो है हमारा दलित साहित्य लोकतंत्र के आईने में, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए ये दलित साहित्य ने जो है बताया है हम सबको, कि भारतीय संविधान
हमारे जो है पूरे भारत की कसौटी है, उसी आधार पर उसका लोकतंत्र भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को जो है आप जातियों में बांट दे रहे हैं, धर्म में बांट दे रहे हैं, और उसके आधार पर नहीं बात होनी चाहिए। अभी सर बात कर रहे थे कवितेंदु जी, और मुझे याद आया कि कल मैं जब अध्ययन कर रही थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पूजा जो लोग कर रहे हैं, ये 2009 में संस्करण आया था जीवन आमुचा का, उसका अनुवाद हुआ था, और उसमें जो है बेबी कामले लिखती हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे मैंने कभी दिया या अगरबत्ती नहीं जलाई, कभी उनकी उस तरह से पूजा अर्चना नहीं की, लेकिन बाबा ने जो रास्ता हमें दिखाया मैं उस राह पर ही चली। और एक बार ऐसे ही जो है 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यहीं मनाई जा रही थी, मैं यहीं पे आई थी भाषण देने, और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग जो वही है कि पुस्तकें नहीं पढ़ते, उनको मूर्ति के रूप में पूज रहे हैं, यहीं पे उनका जो है उनकी प्रतिमा रखी थी, और उस पर लोग अगरबत्ती और फूल और जो है धूप बत्ती चढ़ाने और दिखाने लगे। तो वाकई में इस चीज़ से हमें बचना है, हमको पढ़ना है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, जिस पढ़ाई की जिस शिक्षा की वो बात कर रहे थे बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है उनका अपना, क्योंकि मैं बार बार इस प्रश्न से जूझ रही थी कि भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो हम जान रहे हैं, लेकिन उनके आगे, उनके नाम के आगे बाबा साहेब क्यों लगाया गया। तो मेरी एक दोस्त थी मुन्नी भारती, उससे उसने भी बहुत अध्ययन किया, वो भी बहुत जगह जाती है, बोलती है, तो उसने मुझे बताया कि वो कौन सा समय था, किस लिए उनको जो है बाबा साहेब नाम दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे से प्रश्न हैं, और मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। दलित लेखक संघ की अध्यक्षा अनीता भारती जी और बाकी उनके सभी सदस्यों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, मुझे यहाँ बुलाया, और मैंने अपनी बात रखी। धन्यवाद।